हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता बिश्नोई और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर 4 है और इसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसा आप जानते हैं, सीन्स करंट इज फ्लोइंग ऑफ अ चार्ज। करंट किस लिए होता है? जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड है, देन देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लो आउट ऑफ अ रीजन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कंटेन विद इन द रीजन। तो अगर कोई रीजन है वहाँ पे चार्ज है और हम करंट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जितना करंट फ्लो हो रहा है वो चार्ज के मूवमेंट से हो रहा है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेट करेगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन चार्ज पे है, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख लें। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Nor be destroyed. As current is simply charge in motion. Current क्या है? Charge motion में है. As current is simply charge in motion. तो continuity equation क्या है कि कितना charge उस जगह से या उस region से flow out हो रहा है ना? चार्ज इन मोशन, द कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट द टोटल करंट, टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज, टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज। चार्ज वहां से कितना कम हो रहा है उसके बराबर करंट होगा विद इन द टोटल वॉल्यूम, within that total volume। ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हैं, आप एक कंडक्टर बना लीजिए या वायर बना लीजिए। ये S1 रीजन है, ये S2 रीजन है। तो यहां से जो चार्ज एंटर कर रहा है, यहां से जो चार्ज निकल रहा है, वो करंट के बराबर होगा या हम करंट डेंसिटी के बराबर भी बंस कर सकते हैं ना? तो करंट जो हो रहा है करंट डेंसिटी के बराबर हो रहा है अगर सरफेस एरिया में बात कर रहे हैं। और करंट क्या हो जाएगा? डी क्यू ओवर डी टी माइनस में। तो पहले करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिख लेते हैं। तो करंट फ्लोन आउट थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, है ना? इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। और टोटल निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल कर लेंगे। वेयर जे क्या है? करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी। अभी हमने क्या किया था? करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिखा था, जिसको हमने इक्वेशन 1 बोला। अब हम क्या करेंगे? करंट को इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 मिल जाएगी हमें। द करंट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट रीजन। तो करंट चार्ज और दोनों में क्या रिलेशन होता है कि करंट किसके इक्वल होता है? द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, कितना चार्ज उस एरिया से या उस रीजन से डिक्रीज हो रहा है, उस वॉल्यूम से। द करंट
मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट रीजन. सो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू ओवर डी टी. बट हम जानते हैं कि चार्ज को हम इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, तो क्यू लिखा जा सकता है रो बी वी वॉल्यूम इंटीग्रल में, वेयर रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो आई इक्वल टू माइनस डी ओवर टी टी इंटीग्रेशन क्यू की जगह रो डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन. अब हमारा डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन दोनों ऑपरेटर है और दोनों ऑपरेटर इंटरचेंज किए जा सकते हैं, और जो हमारा रो है वो फंक्शन है टाइम और स्पेस दोनों का, तो ये चेंज हो सकता है. तो हम पहले इंटीग्रेशन ले आएंगे. और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जाता है, इसको हम अंदर ले जाते हैं उस ऑपरेटर को, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है. तो हम इसको डेल ओवर डेल टी रो डी वी लिखेंगे. तो आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी डेल ओवर डेल टी रो डी वी इक्वेशन टू. तो अब अगर ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन भी करंट की इक्वेशन थी, इक्वेशन टू भी करंट की इक्वेशन है. इक्वेशन वन में यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ क्या था. इक्वेशन वन था आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, क्योंकि पीछे वाली वीडियो में था वो पीछे साइड में. ठीक है, और ये इक्वेशन टू है. दोनों इक्वेशन जो है आई की इक्वेशन है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी एस ये वेक्टर है इसके ऊपर इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल है, माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल ओवर डेल टी रो डी वी इक्वेशन थ्री. ध्यान से देखिए, एक साइड हमारा सरफेस इंटीग्रल है यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, इस टर्म को चेंज करेंगे. और कैसे चेंज करेंगे, यूजिंग पहले भी बता चुकी हूँ, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल कैन बी चेंज इन टू वॉल्यूम इंटीग्रल. तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. तो मतलब जे डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वॉल्यूम डाइवर्जेंस जे डी वी इक्वेशन फोर. तो क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री सी वैल्यू जे डॉट डी एस की इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे. पुट करने के बाद क्या बन के आएगा, देयर फोर फ्रॉम थ्री एंड फोर इंटीग्रेशन वॉल्यूम डाइवर्जेंस जे डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन वी माइनस में था माइनस डेल रो ओवर डेल टी डी वी. ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे डी वी प्लस डेल रो ओवर डेल टी वी डी वी. यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरे इंटीग्रेशन को बाहर लेके, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी डी वी सॉरी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, और डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो.
कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया है। अगर हम बात करें स्टैटिक फील्ड, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, जितना चार्ज आ रहा है इन्वर्ट में उतना ही बाहर फ्लो हो जा रहा है। फॉर स्टैटिक फील्ड तो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल रो ओवर डेल टू की वैल्यू जीरो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ या कंटिन्यूटी इक्वेशन Continuity for static field क्या हो जाएगी, डेल रो ओवर डेल टी की जगह इस इक्वेशन में हम जीरो रख देंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जो बॉक्स में रखी है मैंने, तो डाइवर्जेंस जे इक्वल टू जीरो। अगर हम डाइवर्जेंस जे इक्वल टू जीरो प्रूव कर दें, है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टैटिक फील्ड है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसका यूज जो है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में करते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अगर हम डाइवर्जेंस जे इक्वल टू जीरो प्रूफ कर रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि फील्ड स्टैटिक है, तो डाइवर्जेंस जे की वैल्यू जीरो होगी। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद हम मैक्सवेल इक्वेशंस पे आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी करते रहिए। थैंक यू।